Good morning students, how are you all? In this video we are going to learn English a Marigold textbook for class 3. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में यूनिट नंबर 4th जिसमें एक पोएम थी सी सॉन्ग वो की थी और लास्ट जो एक्टिविटीज दी गई है वो की थी. आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 का दूसरा पार्ट है जो है एक स्टोरी, लिटिल फिश स्टोरी. एक लिटिल यानी कि छोटी सी फिश की स्टोरी. लेट्स स्टार्ट. देर आर अ ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. देर आर अ ग्रेट यानी कि बहुत, मैनी मिलियन यानी कि लाखों फिशेस होती हैं कहाँ पर, सी यानी कि दरिया में. और ये जो स्टोरी है दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, उनमें से एक जो फिश है वो छोटी सी एक फिश है उसकी स्टोरी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द शीस टू मेक हिम कंटेंटेड बट ही वॉज नॉट हैप्पी. वो जो फिश था उसके पास सब कुछ था कि जिससे वो संतुष्ट हो सके बट वो फिर भी खुश नहीं था. यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. अब आपको लाफ यानी हंसी आएगी अगर मैं बताऊँ कि वो खुश क्यों नहीं था. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत वेरी स्मॉल यानी कि छोटा था. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश ही वुड से. और वो हमेशा कहता रहता था इट इज़ हार्ड यानी कि बहुत मुश्किल होता है कि छोटा सा होना. ओवर एंड ओवर अगेन वो यही के दोहराता रहता. यहाँ पर माइट यानी कि छोटा, वो कहता है कि मैं बहुत छोटा हूँ और हमेशा यही बोलता रहता था. इफ़ आई वेर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. और वो सोचता था कि अगर लार्जर यानी कि मैं भी अगर बड़ा होता तो मैं कितना हैप्पी होता. इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और वो हमेशा यही कहता रहता कि अगर मैं भी बड़ा होता तो कितना हैप्पी होता. और वो बोलता रहता और ही बिलीव्ड इट यानी कि उसे विश्वास हो जाता था कि ऐसा होता तो ही वो खुश होता. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो. और फिर एक दिन वो क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था रेस्ट ऑफ हिज स्कूल यानी कि सभी जो वहाँ पर फिश थे उसके साथ, वहाँ पर जो बाकी सारे फिश थे उसके साथ वो स्विमिंग कर रहा था. नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग. और फिर क्या हुआ कि नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. उसे लगता था कि ये सभी जो फिश है वो बहुत ही थैंकफुल है यानी कि शुक्रगुजार है. क्यों? क्योंकि वो बड़ी है उससे. व्हेन सडनली और अचानक, सडनली यानी कि अचानक क्या हुआ, नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशिश ऑफ अ ग्रेट नेट. और फिर सडनली क्या हो जाता है कि वो सब अपने आप को कहाँ पाते हैं, एक नेट यानी कि एक मैशिश यानी कि एक जाल में फंस जाते हैं नेट के अंदर. देर वॉज मच फाउंडरिंग एंड स्प्रेशिंग एज द नेट वॉज ड्राउन अप आउट ऑफ द वॉटर इन टू द सनलाइट. एंड देर वॉज मच फ्लाउंडरिंग मीन्स कि वो लड़खड़ाने लगते हैं. स्प्रेसिस एज द नेट वॉज ड्राउन अप. ड्रॉन अप यानी कि वो जो लड़खड़ाने लगते हैं और फिर वो जो नेट के अंदर फंस जाते हैं तो वो एकदम से जो नेट है वो ऊपर खींची जाती है कहाँ पर. एंड जस्ट एज इट्स होल वॉज बींग एम्प्टीड इन टू द बोट द स्मॉलेस्ट. और फिर जैसे ही वो एम्प्टीड यानी कि खाली हो जाती है, स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल थ्रू द मैश. और फिर जो छोटी सी जो वो फिश था वो क्या किया कि रिगल यानी कि ट्विस्ट और टर्न कर करके वहाँ से मैश एंड उस नेट में से निकला और स्लिप बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. उस मैश यानी कि जो जाल में फंस चुका था सभी सारी विशेष फिश के साथ वो उसमें से निकल पड़ा.
स्लिप होकर नीचे क्लियर वाटर में आ गया। हाउ गुड इट फेल्ट, उसे कितना अच्छा फील हुआ। ही स्वम हियर एंड देयर, फिर वो यहाँ और वहाँ तैरने लगा। एंड एवरीवेयर एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि वो उसके साथ जो दूसरे जो फिश थे वो उन्हें जानते थे, सेड दैट दे नेवर अगेन हियर्ड हिम से, कि उन्होंने कहा कि उन्हें कभी उसने ये नहीं सुना, बोलते हुए सुना, क्या पता है, दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटल फिश, और उसके जो आसपास में जो सभी फिश थे और वो भी बोलने लगे कि उन्हें भी कभी बड़ा नहीं होना, एंड ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटल फिश, उसे हमेशा से ही वो जो फिश था वो क्या बोलता था कि अब मुझे छोटा ही रहना है। पता है वो फिश खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था और सभी बाकी फिश थी वो बड़े बड़े थे, इसलिए वो खुश नहीं था। लेकिन जब वो सभी बड़े बड़े जो फिश थे वो उस नेट में उस जाल में फंस चुके थे, तो वो छोटा था इसलिए बच गया, इसीलिए उन्होंने वो जो फिश था अब वो हैप्पी है क्योंकि वो बच गया था। अब हम पढ़ेंगे हमने कौन से न्यू वर्ड्स सीखे, और इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, जैसे कि मिलियन यानी कि 10 लाख, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट, माइट यानी कि बहुत छोटा, बिलीव यानी कि विश्वास, थैंकफुल यानी कि शुक्रगुजार, डाउट यानी कि संदेह, मैश यानी कि जाल, वार्निंग यानी कि चेतावनी, ड्रोन अप यानी कि ऊपर खींचना, एम्प्टी यानी कि खाली करना, स्लिप यानी कि फिसलना, और फिर फ्लोंडरिंग यानी कि लड़खड़ाना, स्प्लैशिंग यानी कि साउंड मेड विथ अ लिक्विड, रिगल यानी कि ट्विस्ट एंड टर्न क्विकली, जैसे कि वो फिश ट्विस्ट और टर्न करके उस नेट में से स्लिप होकर कहाँ गई रही पानी में।